Good morning, class. I am your maths teacher. Students, today we are studying about chapter 9 section. आज हम लोग chapter 9 section पढ़ेंगे. तो first of all हम जानेंगे कि section क्या होता है. A fraction is a part of a whole. Means एक whole part. Fraction means क्या होता है? एक whole part means एक पूरा हिस्सा. It represents one or more equal parts of a whole object. Means जो पूरा हिस्सा होता है उसका कुछ हिस्सा क्या होता है? Fraction होता है. तो अब मैं आपको कुछ examples के तौर पे बताती हूँ, तो I hope आपको समझ में आएगा. तो जैसे कि आप लोग पिज्जा खाते होंगे, तो आप लोग पिज्जा ऑर्डर करते होंगे, तो उसी पे एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. स्टूडेंट, ये मेरा क्या है? ये एक पिज्जा है, ये एक होल है, ठीक है. उसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. जैसे एक आप हो गए, एक आपके सिस्टर हो गए, या आपके ब्रदर हो गए, तो उसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ. मीन्स ये एक होल है, उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये मेरा हाफ हो गया. ये मेरा क्या हो गया? हाफ. मीन्स आधा ये हाफ ऑफ पार्ट हो गया. ये होल का मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, हाफ ऑफ पार्ट हो गए. ये मेरा क्या है? वन बाई टू हाफ. ओके, तो अब जैसे मैंने पिज्जा का एक पार्ट लिया, फिर इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. एक आपने लिया, एक आपकी सिस्टर ने लिया. अब जो ये अपर पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर. और ये जिससे मैंने डिवाइड किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग लाइन. और ये वाला पार्ट जो हुआ, ये मेरा क्या हुआ? डिनोमिनेटर. एक होल पार्ट को मैंने लिया, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया. जो अपर पार्ट है वो मेरा क्या है? न्यूमरेटर है. और जिससे मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, वो मेरा क्या है? डिवाइडिंग लाइन है. और जो नीचे वाला पार्ट है वो मेरा क्या है? डिनोमिनेटर है. तो स्टूडेंट्स, आप सोचोगे कि ये वन हाफ मैम ने कैसे लिखा? तो वन हाफ कैसे हुआ? ये जो अपर पार्ट है, मीन आपको नेक्स्ट में बताती हूँ. ये जो अपर पार्ट है, इसको मैंने शेड कर दिया. मीन्स एक पिज्जा था, दो पार्ट मैंने किया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, मीन्स वन हाफ हुआ. तो जो शेड पार्ट है, तो उसको मैंने वन लिखा, ठीक. और टोटल पार्ट मीन्स वन ये वन पार्ट, दोनों को जोड़ के क्या लिखा मैंने यहाँ? टू लिखा. तो जो अपर पार्ट है, ये क्या है मेरा? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट. और ये टू, मैंने टू कहां से आया? मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट, मीन्स वन पार्ट टू पार्ट. ये क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ पार्ट. टोटल नंबर ऑफ पार्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा कि मैंने एक पिज्जा लिया, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया, एक आपने खाया, एक आपके सिस्टर ने खाया. तो जो अपर पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है? न्यूमरेटर होता है. जो बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वो मेरा क्या है? डिवाइडिंग लाइन है. और जो नीचे का पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है. तो ये मेरा क्या है? वन हाफ. वन, जैसे वन हाफ मैंने बोला, तो वन हाफ मीन्स वन, जो ऊपर का पार्ट शेड किया है. मीन्स नंबर ऑफ शेडेड पार्ट वो हम लोग अपर पार्ट में लिखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट मीन्स जो टोटल है, मीन्स जितने भी पार्ट होंगे उसको टोटल करके उसके डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये कि मेरा सेक्शन है.
अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और बताती हूँ। जैसे मैंने वन हाफ बताया, वन थर्ड, वन फोर्थ, ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स में बताती हूँ। जैसे मैंने वन हाफ बताया आपको, अब मैं वन थर्ड बताती हूँ, ठीक है? वन थर्ड, तो एक पिज्जा लेते हैं। अब वन थर्ड मीन्स आप एक भाई दो बहन, या दो भाई एक भाई बहन हो, तो अब आपको तीन पार्ट में एक पिज्जा को डिवाइड करना। अभी तक आपने टू पार्ट में डिवाइड किया, अब थ्री पार्ट में। अब थ्री पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे आप? वन टू थ्री, थ्री पार्ट्स में हो गए ना डिवाइड। ये देखिए वन थर्ड, ये मेरा क्या है, वन थर्ड। अब वन मीन्स जैसे कि मैंने बोला वन थर्ड, तो वन मेरा क्या है, शेडेड पार्ट। और थर्ड मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो फर्स्ट मेरा क्या है, वन शेडेड पार्ट, मीन्स मैंने एक पार्ट को शेड कर दिया। ये एक पार्ट शेड हो गया, बचा टू पार्ट जो अनशेडेड है। मीन्स जो पार्ट शेड है उसको मैं अपर पार्ट में लिखूंगी, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट मीन्स वन टू थ्री, कितने हुए, थ्री। तो वन बाई थ्री मीन्स वन थर्ड, ये क्या हुआ आपका, वन थर्ड। नेक्स्ट है वन फोर्थ। अब वन फोर्थ को कैसे मैं डिवाइड करूंगी, जैसे एक पिज्जा उसको चार पार्ट में डिवाइड करना है, ये आपका एक पिज्जा हो गया। अब इसको फोर पार्ट में डिवाइड करना है, फोर इक्वल पार्ट में। तो ये ड्रॉ किया, फिर एक ड्रॉ किया, वन टू थ्री फोर, ये आपका फोर पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए लिखा वन बाई फोर्थ, मीन्स वन मेरा क्या है, शेडेड पार्ट है, मीन्स अपर पार्ट जो होता है वो मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, और जो मेरा लोअर पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, मीन्स मेरा वन। वन क्या है, वन शेडेड पार्ट है। ये मैंने शेड कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट मीन्स फोर, वन टू थ्री फोर, तो वन मेरा क्या है, शेडेड पार्ट है। और फोर मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक होल होता है, होल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसका कुछ हिस्सा। और इसको मैं कैसे फ्रैक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि पिज्जा लिया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ शेड पार्ट, मीन जो मतलब शेड किया हुआ पार्ट होता है वो मेरा अपर पार्ट होता है, और बीच में जो डिवाइडिंग लाइन होती है, देन इसके नीचे जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, की कितने टोटल नंबर है। मीन्स जैसे मैंने एक पिज्जा लिया तो उसका चार पार्ट किया, तो चार पार्ट किया ना, तो एक दो तीन चार, तो जो टोटल है वो मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। और जो अपर है वो मेरा क्या है, शेडेड पार्ट, जैसे कि हाफ में मैंने डिवाइड किया, फिर वन थर्ड में मैंने डिवाइड किया, फिर वन फोर्थ में मैंने डिवाइड किया। ऐसे ही मतलब फ्रैक्शन को पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कि मैंने वन शेडेड पार्ट वाला बताया, अब मैं आपको टू शेडेड वाला, थ्री शेडेड वाला ऐसे बताती हूँ। अब जैसे कि मैंने टू शेडेड वाला बता रही हूँ, जैसे टू बाई थर्ड, तो टू बाई थर्ड मीन्स एक मैंने पिज्जा लिया, टू बाई थर्ड मीन्स अपर पार्ट क्या होता है, मेरा शेडेड पार्ट होता है, और लोअर पार्ट मेरा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट क्या है, मेरे थ्री, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, और एकदम इक्वल डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपर वाला पार्ट ज्यादा हो गया और लोअर पार्ट कम डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला अपर पार्ट जो होता है मेरा, ये क्या होता है, शेडेड पार्ट होता है। और जो लोअर पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं।
अपर पार्ट में शेडेड पार्ट मेरे कितने है? टू, तो मुझे टू पार्ट शेड करना है, तो टू पार्ट मैंने क्या किया, शेड किया, एक पार्ट बचा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या किया, टू बाई थर्ड में टू थर्ड, क्या ये टू थर्ड में टू पार्ट शेड किया हुआ है, वन पार्ट नहीं, तो थर्ड में टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टू थर्ड मीन्स टू पार्ट, जैसे बोला अपर पार्ट शेड होता है, जो लोअर पार्ट क्या होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट, तो अपर पार्ट मेरा टू शेड हुआ और लोअर नंबर ऑफ पार्ट मेरा क्या है, वन टू थ्री, थ्री हुआ। नेक्स्ट अगर हम देते हैं थ्री बाई फोर, तो थ्री मेरा क्या है, शेडेड पार्ट, देन फोर मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, तो सेम ऐसे एक सर्कल लूंगी, ठीक, इसको टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है, फोर, तो फोर पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी, इक्वल डिवाइड करना है, ओके। अब शेडेड पार्ट कितना है मेरा, थ्री, मीन्स वन टू थ्री, या इधर से लीजिए वन टू थ्री, मतलब फोर पार्ट में थ्री शेड करना है आपको। ठीक, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मेरे फोर हुए और थ्री शेड करने, मीन्स मैंने वन टू थ्री, थ्री पार्ट शेड कर दिया, तो ये मेरा क्या हुआ, थ्री फोर, थ्री फोर, ये मेरा क्या हुआ, थ्री फोर, मीन्स थ्री मेरा क्या है, शेडेड पार्ट है, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है मेरा, फोर, वन टू थ्री फोर। सेम प्रोसेस हम लोग ऐसे ही करेंगे, मतलब जितने भी शेडेड पार्ट होंगे वो मेरा अपर साइड लिखा रहेगा और जो भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट होगा मेरा वो लोअर साइड लिखा होगा। मीन्स अपर पार्ट क्या होता है, मेरा न्यूमरेटर होता है, जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो मेरा क्या है, डिवाइडिंग लाइन है, और फिर जो नीचे लोअर पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है। तो अपर पार्ट मैंने बोला शेड पार्ट होता है, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ पार्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाफ में, टू थर्ड में, या थ्री फोर्थ में कैसे हम लोग फ्रैक्शन करेंगे।